बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ट्रेड बैरियर्स एंड कुछ एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। ट्रेड बैरियर्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हम देखेंगे कौन कौन से ट्रेड बैरियर्स हैं और फ्री ट्रेड क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड क्या है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं दैट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं और हमारे लोकली जो यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश हैं, अगर हम फॉरेन मतलब कंपटीशन से फॉरेन कंपटीशन मतलब फॉरेन मार्केट्स और वो बिजनेस अगर आ गए तो यहाँ पे कई लोगों को जॉब्स छोड़ना पड़ेंगी और उनके बिजनेस जो हैं वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी जब वो लोग कहते हैं कि जी आप बाहर वाले लोगों को अलाउ ना करें, तो इसे वो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। बहुत सारी नेशंस ऐसी हैं दे सेट अप ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शनिज्म, अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करने के लिए। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगा देते हैं, फ्री ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगा देते हैं ताकि बाहर की मार्केट से चीजें ना आ सके और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह ना हो। ट्रेड बैरियर्स हैं क्या असल में? ठीक तो ट्रेड ट्रेड बैरियर्स असल में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट प्रिवेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जी जी शीजा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, आप आई थिंक सो कोई क्वेश्चन कर रही थी। नहीं, सर, वो मैं पढ़ रही थी साथ साथ आपके कोर्स वाइज। अच्छा ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स जो हैं उसमें ट्रेड असल में ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट प्रिवेंट फॉरेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम फ्रीली एंटरिंग अ नेशंस टेरिटरी। ये ऐसे बैरियर्स होते हैं जो बाहर के कंट्री से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आगे बैरियर्स होते हैं कि जब तक आपके नेशनल टेरिटरी के अंदर वो चीजें बाहर के मुल्कों से पहुंचे तो वो महंगी होकर पहुंचे, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स कोई टैरफ लगा हुआ होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में आए तो वो महंगी हो और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी बनी हुई चीजें उसे कम्पीट कर सके। ठीक है, इम्पोर्ट कोटाज जो है, इम्पोर्ट कोटाज भी होते हैं, लिमिट्स ऑन द अमाउंट दैट कैन बी इम्पोर्टेड। इम्पोर्ट कोटा का मतलब ये है कि हम किसी चीज की एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतनी अमाउंट या इतनी क्वांटिटी हमें इम्पोर्ट करनी है, इससे ज्यादा हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। लेट सपोज के हम बात करते हैं वीट की, कि हम एक कोटा एक हम मुक्तस कर देते हैं कि हमने 5000 टन जो है ना वीट, इतनी हमने इम्पोर्ट करनी है, इससे ज्यादा हमने इम्पोर्ट नहीं करनी। तो जब इतनी इम्पोर्ट हो जाएगी उसके बाद वो फर्दर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जरूरत जो मतलब जो हमारी वीट डेफिसिट प्रोडक्शन होती है वो 5000 टन होती है, इसीलिए वो 5000 टन बाहर से अलाउ कर देते हैं, फर्दर अलाउ नहीं करते कि आपकी जो इंटरनल जो प्रोड्यूस हुई है वीट वो अनसोल्ड पड़ी रहेगी और डिफ्लेशन आएगा। तो इम्पोर्ट कोटा दूसरा बैरियर है। पहला बैरियर कौन सा था? ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में एक इम्पोर्ट कोटा वाला बैरियर है। उसके अलावा वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। वॉलंटरली कई कंट्रीज ऐसे हैं जो अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, यानी खुद ब खुद वो इम्पोज कर देते हैं अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैरिफ वगैरह, ठीक है, ताकि वो इम्पोर्ट कोटा से बच सके बाकी मुल्क। अब लेट सपोज कि अमेरिका आपको, अमेरिका जो है वो आपको एक मोरली आपको ये कहता है कि जी आप जो है हमें ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां हैं वो एक लिमिट तक आप हमें एक्सपोर्ट करें, उससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट ना करें क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री है जिसमें हम गाड़ियां बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और अगर मतलब आप ये अक्सर ये होता है, मतलब पाकिस्तान का तो नहीं होता लेकिन जापान और अमेरिका में होता है, क्योंकि जापान जो है वो सस्ती गाड़ी बनाता है एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो
मोरली जो अमेरिका है वो जापान को कहता है कि जी आप अपनी जो हमें गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं वो थोड़ी एक मतलब उसका लिमिटेड कोटा रखें, आप उस कोटा से उस क्वांटिटेटिव लिमिट से ज्यादा ना भेजें, क्योंकि इससे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सफर करेगी, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सफर करेगी। तो वो जापान जो है वो खुद ब खुद ही उसके ऊपर ना मतलब कोई कोटा लगा देता है या फिर खुद उसके ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा देता है, यानी टैरिफ वगैरह एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देता है, ताकि अमेरिका की जो लोकल इंडस्ट्री है वो डैमेज ना हो। ठीक है, डैमेज तो मैं वर्ड और यूज कर रहा हूँ, डैमेज नहीं बल्कि उसको उसको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। तो दूसरी चीज आ गई, पहले इंपोर्ट कोटा था, एक है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। वॉलंटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क खुद ही ये सोचता है कि हम एक लिमिट तक वहां पे चीजें एक्सपोर्ट करें, एक लिमिट से ज्यादा ना करें। तो ट्रेड बैरियर्स अभी मैंने आपके साथ दो डिस्कस किए हैं, क्लियर है, इंपोर्ट कोटा है और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। सर इसी में आएंगी अभी वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होती है और नहीं, एब्सोल्यूट। नहीं नहीं, वो सेपरेट है, वो सेपरेट अच्छा है। ये जो टॉपिक है ये ट्रेड बैरियर्स का है, ट्रेड जी बैरियर्स का है ये टॉपिक, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ये है सेपरेट है उससे। सर। एक एचओ मॉडल भी होता है, वो भी कुछ वो चीज है कोई कौन सा, एचओ मॉडल, वो भी ट्रेड में ही आता है। जी हैक्शर ओलन मॉडल। हाँ जी वही हाँ जी, हैक्शर ओलन मॉडल, ये ट्रेडिशनल उसमें आता ठीक है है। सर। ये मैं करवा दूंगा लेकिन हमारी आउटलाइन में नहीं है ये। आप कराएंगे? हाँ मैं करवा दूंगा, हैक्शर आपने याद करवा दिया तो मैं करवा दूँ। ट्रेड बैरियर्स में हमने पीछे कोटा की बात की, हमने वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट की बात की, तीसरी चीज है टैरिफ्स। टैरिफ जो होता है, टैरिफ असल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट एक तरह का टैक्स होता है, टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड कमोडिटीज आर कॉल्ड टैरिफ, ठीक है। इसके अलावा एक कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, वो भी टैरिफ के जुमरे में ही आती है। कस्टम ड्यूटी जो बाहर से चीजें आती हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, यूज टू इनकरेज परचेजिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अदर ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि आप किसी को लाइसेंस नहीं इशू करते, इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं इशू करते, या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन आप सेट कर देते हैं कि जी इस स्टैंडर्ड की अगर प्रोडक्ट होगी तो हम उसे अपने मुल्क में आने देंगे, अपनी टेरिटरी में आने देंगी। अगर इससे स्टैंडर्ड अगर मैच नहीं करता, ठीक है, आप कोई लगा देते हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, तो आप कहते हैं कि जी नहीं, फिर अगर स्टैंडर्ड मैच नहीं करता तो हम इसे अपनी टेरिटरी में नहीं आने देंगे। तो ये ट्रेड बैरियर्स थे जो मैंने आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए, जिसमें टैरिफ है, जिसमें मिसलिनियस है। मिसलिनियस में आप लाइसेंस की बात कर लें, आप स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लें, और टैरिफ कोटा और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स जो हैं ये प्रीवियस ट्रेड बैरियर्स हैं जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है सर। इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, बुरे इफेक्ट्स भी होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब आप ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो फॉरेन गुड्स होती हैं, बाहर से जो चीजें आती हैं, आप जब कोटा लगाते हैं या आप टैरिफ लगाते हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। उसके अलावा ट्रेड वार्स भी होती, मतलब कई मुल्कों की आपस में ट्रेड कंपटीशन होता है ना, मतलब जंगें होती हैं उनकी। व्हेन कंट्रीज इंस्टीट्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईच अदर, ट्रेड वार क्या होती है, जब मुल्क जो है, दो मुल्क आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कभी कोटा की, चाइना कभी की वजह से टैरिफ चल रही है की, ट्रेड वॉर। कभी एक्सचेंज रेट की, ठीक है। जी मसलन अभी रिसेंटली जो 2 माह पहले की बात करें, दो दो से 3 माह पहले की बात है, कि जब ट्रंप साहब ने चाइनीज जो कुछ 20+ प्रोडक्ट्स कंपनीज की थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ट्रेड उन्होंने की। रिस्ट्रिक्शन
लगाई, सैंक्शंस लगाई, टैरफ लगाया, ठीक है, टैरफ लगाया और उसको महंगा कर दिया। तो चाइना ने पता है क्या किया, चाइना ने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी। अब वो करेंसी डिवैल्यू करने की वजह से क्या हुआ, उसकी फिर से वो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। तो ट्रम्प साहब जो है वो सर पकड़ के बैठ गए कि मैंने तो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि ये चीजें मेरे मुल्क में नहीं, अमेरिका में नहीं बिकेंगी, लेकिन उसने अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके उसको उसने क्या किया कि फिर से ज्यादा सेल और उसने को कर ली। इंक्रीज कर दिया। तो इसे कहते हैं सक्सेसफुल वार, टू फाइट सक्सेसफुल वार विद योर एनिमी और मतलब विद योर अपोजर, तो यूजली लीड्स टू पुअर ट्रेड फॉर बोथ कंट्रीज। तो इसमें ट्रेड वार्स में होता यह है कि आमतौर पे ट्रेड नहीं होती, ट्रेड का यानी वॉल्यूम कम होता है। पुअर ट्रेड का मतलब ये है दोनों दोनों मुल्कों को लॉस होता है, ऐसी चीजों में दोनों कंट्रीज को लॉस होता है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये इफेक्ट मैं आपके साथ शेयर करा था ट्रेड बैरियर्स के। अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो डेफिनेटली होता यही है कि फिर जो दोनों मुल्कों की पब्लिक है उसको कॉस्ट बियर करना पड़ती है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, ये जो बैरियर्स हैं ये लगाने चाहिए, और प्रोटेक्शनिज्म के पीछे वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। और वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो कहते हैं जी हम प्रोटेक्शनिज्म इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हम अपने लोकल लोगों की जॉब्स को प्रोटेक्ट करें, दूसरा प्रोटेक्ट्स इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो हमारी अभी मतलब इंडस्ट्रीज अभी नई नई इंडस्ट्रीज हैं, हमने लगाई हैं नजायदा इंडस्ट्रीज जो अभी मच्योर हो रही हैं, तो ऑन द वे ऑफ मच्योरिटी हैं, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि देखो जब हम इतनी कंपनीज को या मतलब बाहर से हम मंगवा लेंगे चीजें और ट्रेड होना शुरू हो जाएंगी, तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो दांव पे लग जाती है। लोग ट्रेड के बहाने क्या करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं और फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वर्ल्ड वार से पहले यहाँ पे ट्रेड करने आई थी बरे सगीर में, सब कंटिनेंट में। आपको और भी काफी आपको इसकी जनरल इंफॉर्मेशन भी बहुत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे सब कंटिनेंट में ट्रेड के बहाने आई थी, और फिर क्या किया उसने, सब कंटिनेंट को टेक ओवर कर लिया। यहाँ बर्तानिया ने कितनी देर रूल किया है, ये तो अभी 1947 में पाकिस्तान और इंडिया यहाँ बने, सेपरेट सेपरेट दोनों स्टेट्स बन गई और वो अपनी अपनी आजादी में रहना शुरू कर दिए। इससे पहले तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के बहाने जो लोग हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, वो स्पाई के तौर पे आपकी इंफॉर्मेशन को चुराती हैं और फिर उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर